तो गज़वा खंदक यानी इसका नाम गज़वा खंदक इसलिए रखा गया क्योंकि मदीना के तीनों अतराफ़ यानी मशरक़ मकरब और जनूब में मकानात भी थे संगलाख पहाड़ थे बागात थे और इस तरफ से दुश्मन के हमले का ख़तरा नहीं था सिर्फ जो ख़तरा था वो शमाल की तरफ से था लिहाजा शमाल की तरफ शहर से बाहर खंदक खोदने का फ़ैसला हुआ और ये मशवरा नबी करीम अलैहि वसलम को हज़रत सलमान फारसी रज़ील जो के एक सहबी थे उन्होंने दिया बच्चों अहब के मानी हैं ग्रो चूँकि ये जंग जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रोहों के दरम्या हुई जैसे कुफार कुफार थे उसके अलावा उनके तहादी जो रास्ते में मिलते गए उसके अलावा यहूदी थे और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इन ग्रोह थे जिसकी वजह से इन इसका नाम अह़ाब भी रखा गया तो इसके इसबाब क्या थे गजवाए ख़ंदक के या गजवा अहजाब के इस्बाब ये थे नंबर एक के गजब अहद में जो मुसलमानों को नुकसान हुआ था उसकी वजह से अरब कबाइल में मुसलमानों का रोब कुछ कम हुआ और उससे फ़ायदा उठाते हुए जो कुफ़ार मक् थे उनका जो सरदार था वो सुफियान वो उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफार को जमा करना शुरू कर दिया दूसरी बात यह हुई सबब यह बना कि कुफ़ार मक्का की मुल्क शाम से तजारत बहुत कम हो चुकी थी क्योंकि उन्हें मदीना में जब मुसलमान आए तो उन्हें ख़तरा हुआ कि मदीना के मुसलमान उन पर हमला कर देंगे तो अब जो उनके तजारती काफ़िले इराक़ में भी नहीं जा सकते थे लिहाजा उनकी तजारत बुरी तरह मुतासर हो रही थी दूसरा सबब यह बना तीसरा जो सबब बना वो ये था कि यहूदियों ने मीसा के मदी की ख़िलाफ़ वर्जी की थी गज़ा बदर में जिसकी वजह से नबी करीम सलील वसलम ने यहूदी कबीला बनो कनका को ग़वाए बदर के बाद जिलावतन कर दिया यानी उन्हें मदीना से निकाल दिया था और गजवाए उहद में भी मीसा के मदी की ख़िलाफ़ वर्जी हुई थी उसमें नबी करीम सलील वसम ने यहूदी कबीला बन नज़ैर को भी जिलावतन कर दिया था और इन लो ये लोग जो थे ये खैबर और शाम के इलाकों में आबाद हो गए थे अब इन्होंने क़ुराश मक्का को उकसाया मुसलमानों के ख़िलाफ़ और उन्हें अपनी हिमायत का जो है वो यकीन भी दिलाया तो ये जो थे इसबाब थे ये वजूहत थी अब जो है ये बाक़ियात की तरफ आते हैं कि कुफ़ार मक्का का लश्कर चार हज़ार अफराद पर मुश्तम था जब वह अबूसुफिया की क्यादत में मक् मुकर्मा से निकला था लेकिन रास्ते में दीगर इतिहादी जिनमें यहूदी भी थे और दूसरे मजहब के भी लोग थे कुफार थे और वो इतिहादी भी जब शामिल होते गए तो इस तरह से इनका पूरा लश्कर दस हज़ार पर मुश्तमिल हो गया अब जो है चूँकि नबी किम सल्ह वसम ने हमत तय कर रखी थी जो खंदक खोद रखी थी और इस वजह से वो मुकम्मल मुसलमान जो है वो तकरीबन महफूज थे कुफार का लश्कर जब मदीना पहुंचा तो उसने क्या किया जी अबू सुफियान की क़्यादत में जब लश्कर मदीना मुनवरा पहुंचा तो खंदक को देखकर हैरान परेशान हो गया और मजबूरन शहर के बाहर पड़ाव डाला क्योंकि खंदक शहर के बाहर खो दी गई थी अच्छा जी अब ये है कि कुफार की जानब से जो है कौन सा काफिर था जो बहुत बहादुर था और उसने खंदक अबूर की और उसका क्या अंजाम हुआ एक जगह से खंदक थोड़ी सी कम चोड़ी थी तो उस मकाम से कुफार का लश्कर में से एक जो मशहूर पहलवान था अमर बिन अब्द वद उसका नाम था वो खंदक अबूर करने में कामयाब हो गए। उसका मुकाबला आज अली रज़ी तसे हुआ और जिसकी वजह से वो कत्ल कर दिया गया गजवा खंदक में बनु कुरैज़ा ने जब मुसलमानों के किलों पर हमला का इरादा किया तो उनका क्या अंजाम हुआ गजवाए खंदक में जब बनु कुरैज़ा जिनको के यहूदी कबीले में शुमार किया जाता है उसने इन किलों पर मुसलमान के किलों पर जब हमला किया तो वहाँ मुसलमान औरतें और बच्चे उस किले में महफूज थे एक यहूदी हमला करने के गर्ज से आया क़िले की तरफ़ तो आप सल्लल्लाहु सलील वसल्लम की फूफी हजर सफ़िया रज़ी अल्लाह तहा ने उसे हलाक कर दिया और उसका सर कलम करके यानी जिस्म से जुदा करके यहूदियों की तरफ़ फेंका तो वो डर गए कि किला के नीचे उनका सर फेंक दिया उसका तो वो यहूदी सारे डर गए कि वो समझे कि क़िला के अंदर बहुत से मुसलमान मुजाहिदीन मौजूद हैं और इन्हें दोबारा हमला करने की फिर उस क़िले की तरफ जरूरत ना हुई अब जो है वो यहूद और कुफ़ार जो थे उनके दरमियान बड़ा इतिहाद था इतफ़ाक था क्योंकि उन्होंने बड़ी हिमायत का यकीन दिलाया था लेकिन एक ऐसा वाकया पेश आया कि उनका इतिहाद ख़त्म हो गया उसकी वजह क्या बनी उसकी वजह यह बनी कि एक नौ मुस्लिम बिल्कुल नए नए मुसलमान हुए थे सबिक हज नईम रज़ी बिन मसूद उनकी ये अमली हुई कि कुफ़ार मक्का और यहूद के दरमियान उन्होंने इतिहाद ख़त्म कर दिया इस इंतशार यानी मुंतशिर हो गई है बिखर चुके इस इंतशार के जैसे मुसलमानों को बहुत फ़ायदा पहुँचा एक रात सख्त आंधी चली जिसके जैसे कुफ़ार मक्का का सारा माल जो है वो बिखर गया खेमे उलट गए जिससे उनके हौसले पस्त हो गए और उनके दिलों में खौफ तारी हो गया और इन हालात में उन्होंने वहाँ पड़ाव ख़त्म करके वापसी की ली अच्छा बच्चों आप देखें कि गज़वा ख़ंदा के असरात क्या हुए यानी इसका क्या नतीजा निकला तो इस लड़ाई में सारे अरब ने भरपूर कुत से मुसलमानों पर हमला किया और फिर क्या हुआ कि नाकाम हुए अल्लाह ने मदद फरमाई मुसलमानों की और इस लड़ाई के बाद मक्का की ताक़त ख़त्म हो गई तमाम अरब कबाइल पर मुसलमानों का रोब दबदबा बैठ गया और गजबा खंदक के बाद अरब कबाइल ने तेज़ी से इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया पहले गजवाए बदर के बाद इस्लाम कबूल करना शुरू किया था लेकिन उसके बाद अब गजबाए खंदक में और तेज़ी से इस्लाम कबूल करना अच्छा जी अब की सवाल मुख्तसर जवाब दें नंबर एक है मिसा के मदीना की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर रसूल सल्ला वसम ने यहूदियों के किन कबीलों को जिलावतन किया यानी मदीना से निकाला तो ये सवालों के जवाब आपके पास नोट्स की सूरत में मौजूद है बच्चों ये आपको मैंने समझा दिया सारे सबक में ये आप देख लीजिएगा सोचो सवाल नंबर दो है दुरुस्त जवाब पर ठीक का निशान लगाएं अबू सुफियान मक् मुकरमा से कितने काफनों का लश्कर लेकर निकला तो अबूसुफियान मक्का मुकरमा से चार हज़ार का लश्कर काफरों का लश्कर लेकर निकला लेकिन एक और बात वाज करती चलूँ कि रास्ते में उसको दीगर इतिहादी मिलते गए और इस तरह से ये मुकम्मल जो लश्कर था वो दस हज़ार का बन गया था रसूल अलैहि वसल्लम ने किस सबी के मशवरे से खंदक खो दी तो रसूल वसल्लम ने नेजर सलमान फारसी रज़ील तुके मशवरे से खंदक खोदी मुसलमानों ने मदीना मनम्रा के किस जानब खदक खोदी? तो मुसलमानों ने मदीना मनम्रा के शुमाली जानब खदक खोदी, क्योंकि बाक़ी तीनों अतराफ में संगलाख पहाड़ खजूरों के बागात और मकानात थे वो जगह महफूज थी और ये जगह खाली थी लिहाजा शुमाली जानब खद खोदी दी गई खंदक की खुदाई के बाद रसूल सल्ह वसलम ने कितने मुसलमानों का लश्कर तरतीब दिया ख़ंद की खुदाई के बाद रसूल सल्ह वसलम ने तीन हज़ार मुसलमानों का लश्कर तरतीब दिया अरब कबाइल ने कब तेज़ी से इस्लाम कबूल शुरू कर दिया अरब कबाइल ने गजाए ख़ंदक के बाद तेज़ी से इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया खालिजगह पुर करें दस हज़ार जंगजुओं पर मुशतमिल लश्कर मदीना मुनबरा पर हमला की गरज से रवाना हुआ नंबर दो अबूसुफियान तमाम लश्कर के साथ मदीना मुनबरा की तरफ आया आगे है बनुक्रैजा मिसा के मदीना की रूस से मुसलमानों के हलीफ़ थे हलीफ का मतलब होता है कि साथ देने वाले ये बनक्रादा जो है ये यहूदियों का कबीला था और ग़बा खंदक में छः मुसलमान शहीद हुए ग़बा खंदक के बाद कुरैश मक्का की ताकत ख़त्म हो गई